हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस सीरीज पे, वो किसी एग्जाम को रिलेटेड नहीं, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का जो नहीं करेंगे। आज हम लोग SBIPOMAINS जो भी कल हुआ था लोगों का, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जो कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जिसको एकदम पूरी तरीके से हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया। आज उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा। और भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। अभी हमारे पास 7 क्वेश्चंस जो है वो कम्प्लीटली करेक्ट हो चुके हैं, और भी 10-15 क्वेश्चन है हम लोगों पास जो अभी तरीके से पूरी तरीके से कम्प्लीट करेक्ट है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए वो क्वेश्चन किसी जगह वो सही होती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम लोग इतना तक ही रखेंगे। इस वीडियो को आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो अगर आपका क्लर्क का एग्जाम है या FCI का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आपको मेंस लेवल का कुछ क्वेश्चन का आइडिया हो, चलो FCI की, तो एटलीस्ट क्लर्क में आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि SBIPO और क्लर्क के लेवल में मेंस में खास करके ज्यादा का फासला नहीं होता है, ठीक है, एकदम माइन्यूट मतलब गैप होता है दोनों के बीच में। तो बिना देरी के हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हम लोग का पहला सवाल जो है, पहला है 2 सीरीज, ठीक है, और इस सीरीज की मैं बात करूं तो मैंने जब 2 सेट प्रोवाइड कराया था SBIPO मेंस के लिए, तो उसमें वैसे मैंने सीरीज कराई थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक भी है हमारे पास, उस वीडियो की सॉल्यूशन भी आप जाके देख सकते हो। देखो सीरीज में क्या है हमारा कि 3 सीरीज तुम्हें लिख के दिए हुए है। पहला है तुम्हारा 1601, 721, 751 और यहाँ पे A दे दिया, ठीक है, और फिर दे रखा है 766। सेकेंड वाला जो सीरीज है हम लोगों का, वो दे रखा है 753, 769, B 765, 763 एंड 764। एंड थर्ड वाला सीरीज क्या दे रखा है हम लोगों का, थर्ड वाला है 23, 24, 50, 153, C एंड 3085, ठीक है। अगर तुम्हारा ये जो सीरीज, एक सीरीज में करना कुछ नहीं, तुम्हें एक पैटर्न को फॉलो कराना है, ABC के वैल्यू निकालना है, ABC को कंपेयर करना है, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हो वैसा ही, ठीक है। तो बिना इसमें तुम्हें कुछ, अगर तुम एग्जाम में बैठे हुए हो तो एग्जाम में ज्यादा तुम रिसर्च करने पर ध्यान मत दो। इजिली इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं, इन सभी सवालों का पैटर्न जो होता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है, कहीं कोई टफ लेवल का पैटर्न नहीं रहता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टफ डाल लेना कहीं से वो कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, इजिली पैटर्न ढूंढ लो जो तुमने प्रैक्टिस किया सेशन में, कोई पैटर्न पे तुम्हारा ये बेस्ड होगा। देखो कितना आसानी से यहाँ से हमें दिख जा रहा है, यहाँ से यहाँ तुम जब डिफरेंस देखोगे तो वो 600 का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो 120 का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो 30 का दिख रहा है। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो 120 आ जाएगा, यहाँ अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो 30 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे किसे फिर 3 से तो यहाँ 10 आ जाएगा, और सरप्लस में है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम प्लस करेंगे तो A की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 761 निकल के आ जाएगी, और ये हमारा आंसर, ठीक है, A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 761। अब B में आ जाओ, ठीक है, B में तुम्हारा क्या दे रखा है, 753 है, 769 है, यहाँ पे अब यहाँ पे तुम देखो 753 से जब तुम यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तुम्हें दिख रहा है प्लस 16 किया है इन लोगों ने, यहाँ से यहाँ का गैपिंग तुम्हें नहीं पता, यहाँ से यहाँ का गैपिंग नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ का तुम्हें गैपिंग पता है, 65 में से 63 गया है, यानी कि 2 क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है, और फिर यहाँ से अगर तुम देखोगे तो क्या किया है, प्लस 1, तो माइनस प्लस है, तय हो गया कि एक प्लस में है, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ये सेटिस्फाइड है हमारा। अब पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न में कोई इधर से तो तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, यहाँ से तुम कर सकते हो, 1 से 2 गया है, 2 गुना करते चले जाओ, क्योंकि आगे में 16 है, 2 का मल्टीपल भी है हमारा, ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और देखेंगे। तो 2 गुना जब करोगे तो 1 का 2 गुना के 2 का 2 गुना करोगे, 4 का 2 गुना करोगे, 8 का 2 गुना करोगे, 16 सेटिस्फाई हो गया, तुरंत घटा दो, बी की वैल्यू भी कितनी निकल जाएगी, 761। ए और बी तुम्हारा क्या हो गया, बराबर। मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि रिसर्च मत करना एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन में इस वाले पैटर्न में ऑप्शन नन ऑफ दीज होता ही होता है, ठीक है, और नन ऑफ दीज है तो तुम इसको पूरा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तुम ऑप्शन देख के नहीं जा रहा, चांसेस आर वेरी लो कि तुम ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकोगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या करना है, तुम सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 से 24 के
23 से 24 तुम्हें मालूम होना चाहिए कोई भी सीरीज अगर कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग में मिलता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा 1+ में 1 लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 24 गुना 7 तुम्हें दिख रहा होगा, गुना 2 किया 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी तुम्हें दिख रहा होगा गुना 3 किया और 3 ऐड कर दिया, यहाँ भी तुम क्या करोगे गुना 4 करोगे और 4 ऐड कर दोगे, 153 गुने 4 करोगे तो 612 होगा और 4 ऐड कर दोगे तो ये निकल जाएगा 616। साफ साफ दिख रहा है ए क्या है तुम्हारा बी के बराबर है और सी जो है ए और बी दोनों से छोटा है यानी कि सी के लिए क्या हो जाएगा ये, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का जहां पे भी मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ये मिल रहा है। ठीक है, तो अगले सवाल पूछ सकते हैं, अगला भी इसी पैटर्न पे बेस्ड एक और सीरीज देख लो उसका भी क्या है। चलो देखो अगला सीरीज क्या बोल रहा है हम लोगों का, दिए हुए क्या है 102 दिए हुए है, 107 है, 117, 134 एंड ए दिए हुए। ठीक है पहला, फिर दिए हुए है 130, 115, 135, 110 एंड बी दिए हुए है। ठीक है, फिर यहां पे तुम्हारा स्टार्टिंग में सी दिए हुए है 80, 120, 300 और 250। ठीक है, ये वाला सीरीज जो है ये वाला की अगर मैं बात करूं तो मैंने काफी टाइम्स मॉक्स में देखा है कि ये वाली सीरीज जो है बहुत ज्यादा रिपीट हुई होगी। ठीक है, तो ये सीरीज का पैटर्न तुम्हें ऑलरेडी याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो तुमने मॉक की प्रैक्टिस कर क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, अब यहां से ऊपर समझवाते हैं 102 से देखो 2 में 7 यानी कि प्लस क्या किया 5। ठीक है, 7 से 17 प्लस क्या किया 10, 17 से 34 प्लस क्या किया 17, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है और ऑर्डर कर देते हैं प्लस में 5 प्लस में 7 एंड प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 17 और 9 जब तुम करोगे तो 17 और 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और ये 26। ठीक है, 26 ले जाएगा तुम ऐड करोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 160 निकल के आ जाएगी, ए निकल गया हमारा 160। ठीक है, इसमें देखो इसमें तुम साथ में भी जा सकते हो और अल्टरनेट में भी जा सकते हो, साथ में भी देखो यहाँ पे क्या है यहाँ से देखो 5 पढ़ा तो यहाँ पे भी 5 पढ़ा तो बी की वैल्यू कितनी होगी 140 होगी, इतना आसान सीरीज पूछता है इसमें। अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये 10 घटा है आगे भी जाएगा तो 10 घटेगा, अगर ऐसा नहीं करने का मन है यहाँ पे तुम्हारा तो एक एक और साथ में लेके चलो साथ में भी तुम्हारा आ जाएगा 130 से 115 15 माइनस किया 30 से यहाँ पे 115 से 135 प्लस में 20 किया, यहाँ से जब तुम आओगे 135 से यहाँ तो यहाँ पे माइनस किया 25 तो यहाँ पे फिर क्या करेगा प्लस में करेगा 33 देखो तुम्हारा हो जा रहा है कितना 120। तो इतना आसान सा सीरीज पूछ रही तुम्हें ना, इसमें कभी भी टफ नहीं पूछ रहा, ये इजी होता है, ये होता है कि तुम्हें देख के थोड़ा सा डरावना लगता है कि हार्ड हो सकता है, लोग इसमें यही सोचते हैं कि इसको स्किप करना ही बेहतर होगा क्योंकि मेंस है, लेकिन ये इजी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है 80 से 120 इसकी सीरीज तुम देखो, 80 में अगर तुम 1.5 गुना करोगे तो तुम्हारा 120 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है ये 120, ये दो इसमें तुम 2.5 गुना करोगे तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 किया तुमने 2.5 कर दिया तुमने, अब यहां से तुम क्या करोगे 300 है 300 से तुम्हारा जा रहा है ये साफ साफ तुम्हें दिख रहा है 3 से ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, हो गया 2.5 से 3.5 1.5 से 2.5 तो पीछे दबाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब C से 80 जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा 0.5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, C की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 में कितना 60 निकल के आ जाएगा, C निकल के आ गया 160। तुम साफ साफ देखो कि कौन कौन सा तुम्हें बराबर मिल रहा है, A और C तुम्हें जो है वो क्या मिल रहा है बराबर मिल रहा है। ठीक है, ए और सी जब बराबर मिल गया तो छोटा कौन मिल रहा है तुम्हारा बी मिल रहा है जो ए और सी दोनों से ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी लिख दो और ए और सी दोनों से ही छोटा है, ये वाला सिंबल लगा दो तो ये भी हमारा आंसर आ गया, और इसी तरीके का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला मेन सॉल्यूशन से सवाल क्या है, देखो क्या बोल रहा है एन एप्पल पाई ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, एप्पल पाई कहने का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, एक सर्कुलर का बात किया सीधा सीधे ऐसे शब्द, पाई मतलब क्या है एक सर्कल। ठीक है, ये नहीं एप्पल पाई बहुत बच्चे बोल रहे थे मुझे कि सर स्फीयर ले सकते हैं हम। ठीक है, नहीं वो सिर्फ सर्कल लेना है, पाई की चर्चा की है तुम्हें। ठीक है, पाई इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी इस एक पाई की जो पूरे है इसकी रेडियस तुम्हारी 8 सेंटीमीटर। ठीक हैज कट इनटू एक्स इक्वल पीसेस, मतलब इसको ना काट दिया जा रहा है तो बराबर भागों में ऐसे ऐसे इस तरीके से सारा इक्वल पीसेस में काट दिया जा रहा है, सबका रेडियस को एक ही होना है हमारा। ठीक है,
टॉप सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस इज 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी एक पीस का अगर तुम एरिया देख लो तो एक पीस का एरिया जो है 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब अगर टोटल पीस का हम लोग को एरिया निकालना रहेगा, यानी एरिया ऑफ अगर हम सर्कल पूछ रहे हैं या एरिया ऑफ अगर हम पाई पूछ रहे हैं, तो एरिया ऑफ पाई हमारा क्या हो जाएगा, 0.77 इंटू एक्स पार्ट में कटा है, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा, देखो। बट लेटर इट वॉज फाउंड 50% ऑफ द पाई वॉज रोटेन। ठीक है, 50% जो है इसका रोटेन था, मतलब 50% सरा हुआ था। सो द रिमेनिंग 50% वॉज कट इंटू एक्स माइनस 3 पीसेस। रिमेनिंग 50% यानी कि रेस्ट 50% का कहानी दिए हुए है, रेस्ट 50% का कहानी क्या दिए हुआ है, उसको जो कट किया वो एक्स माइनस 3 पीसेस में कट किया। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 पीसेस में जब कट किया तो और हर एक पीस का एरिया कितना हो गया, 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच हो गया तो तुमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला सवाल क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहां से तुम देखो 50% का एरिया ये है, 100% का एरिया ये है। अब दो रास्ते है, या तो इसको 50% कर दो या इसको 100% कर दो, दोनों को इक्वेट कर लो। जब किसी एक को करोगे तो हमारा मेन एरिया जो है ये हमारा है 100%। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं क्या, 0.77 इंटू में एक्स लिख दो बराबर में। ठीक है, ये 100% का एरिया है। अब इधर से हम अगर करेंगे तो एक्स माइनस 3 गुने में 0.616, ये 50% का एरिया है। 100% आने के लिए क्या करोगे, 2 से गुना कर दो, डेसिमल हटा दो, नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 1000, यहाँ पे डेसिमल हटा दोगे नीचे में आ जाएगा 100। अब देखो ये जो तुम्हारा एक्स का वैल्यू जो होगा वो पक्का एक डेफिनेट नंबर में हो, तो कहीं पे नहीं कटने का कोई सवाल ही नहीं है। और थोड़ा सा अगर यूनिट डिजिट पे ध्यान दोगे तो 7 से 6 यूनिट डिजिट काटना है, 8 बार में कटेगा तो 77 से अगर तुम थोड़ा सा दिमाग में कर सकते हो तो ये 8 बार में तुम्हारा कट जाएगा, 2020 यहां से काट। ठीक है, 2 से काट दो इसे 5 बार में, यहां पे तुम्हारा 5x, यहां पे 8x और 24 है, 5x में 8x चला जाएगा, 3x बचेगा बराबर में कितना 24, 3 से काट दो 8 बार में, एक्स की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ जाएगी तुम्हारी 8 निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक्स निकल के आ गया 8, हमारा पहला सवाल कैंसिल आ गया, हमसे पूछा था पहला सवाल में क्या एक्स का वैल्यू जो कि कितना है 8 है। ठीक है, सेकंड सवाल देखो इस पे क्या है, फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ ओरिजिनल पाई। ओरिजिनल पाई का सर्कमफेरेंस पे तुम्हें क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। अब देखो एरिया ऑफ पाई तुम्हें मालूम है 0.77 इंटू में एक्स मालूम है। ठीक है, तो तुम यहां से एरिया बोल सकते हो 0.77 इंटू में एक्स का वैल्यू 8 लिख दो, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई की वैल्यू भी चेंज कर दो, कितनी हो जाएगी 22 बटे में कितनी हो जाएगी 7, यहां से डेसिमल हटा दो 4। ठीक है, 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, 2 से काट दो 4 बार में। ठीक है, ये 7 इधर चला जाएगा, मतलब 7 का भी 2 पेयर, 2 का भी 2 पेयर, और यहां से यानी r जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 14 अपॉन में 10 निकल के आ जाएगा। अब तुमसे सर्कमफेरेंस पूछा है, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r, 2 इंटू 22 बाई 7 गुने में 14 बाई में क्या हो जाएगा 10। 7 से काट दो 2 बार में, 2 गुना 4 यानी कितना हो गया 88 बाई में 10 हो गया, और 88 पाई में 10 तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो नन ऑफ दिस है, सवाल का 88 पाई में 10 हो जाएगा, इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ इंटायर पाई वुड हैव बीन कट इनटू 11 आइडेंटिकल पीसेस, पूरा पार्ट। ठीक है, तो पूरा पार्ट कितना है हमारा, यही हमारा पूरा पार्ट का एरिया, उसको अब 11 भाग में काटना है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द टॉप सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का टॉप सरफेस एरिया कितना होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो हर एक पीस का टॉप सरफेस एरिया देखो तो कैसे निकालोगे तुम, यहाँ पे तीसरा सवाल जो लोग का इस दिया है, पूरा का एरिया है तुम्हारा 0.77 इंटू में 8। ठीक है, अब तुमको इसको 11 बराबर भागों में बांटना है और हर एक भाग का एरिया कितना है ये तुम्हें बताना है। तो सिंपल है, इसको सीधा सीधे क्या करो, 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11 से डिवाइड करोगे तो 0.07 बार में ये कट जाएगा, और 0.07 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या देगा 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा हर एक पार्ट का एरिया होगा जब उसको हम लोग 11 बराबर पार्टों में बांटेंगे तो। ठीक है, ये भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सवाल है, इस सवाल में भी लिटरली कोई जान नहीं था, बिल्कुल ही आसान सवाल था, आसानी से अटेम्प्ट लेने लायक था। ठीक है, अगले सवाल क्यों लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
अगला जो सवाल है का वो है टाइम एंड वर्क पे बेस्ड किया है, जो कि तीन सवाल से बेस्ड है हमारा और SBIPO में मेंस में खास करके अरिथमेटिक भी आना कंपलसरी है ठीक है, और क्लर्क में भी खास करके तो इस चीज को प्रिपेयर अच्छे से कर लो क्लर्क और मेंस के लिए ठीक है। देखो अगला DI क्या दिया हुआ है, DI में तुमको दिख रहा होगा फिगर में क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट है ए बी और सी ठीक है, उसमें सिचुएशन वन सिचुएशन टू दिया है, मतलब एक सिचुएशन के तरीके से काम करने पे और दूसरे सिचुएशन के तरीके से काम करने पे, लेकिन एक चीज तय है सिचुएशन वन में भी उतना ही काम करना है जितना काम सिचुएशन टू में करना है, ये चीज समझ जाता है ठीक है। पहला सिचुएशन वन में क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिए हुआ है एक्स, प्रोजेक्ट ए के लिए डेज रिक्वायर्ड दिया हुआ है एट ठीक है, एक्स वर्कर है 88 डेज में काम करते हैं, तो तुम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो, टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे, एक्स गुने में कितना 88 निकाल लोगे सिचुएशन वन के अकॉर्डिंग ठीक है। फिर देखो तुम्हारा सिचुएशन टू में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 8 वर्कर है और रिक्वायर्ड डेज कितना है 66 है, तो यहां से भी तुम टोटल वर्क निकाल सकते हो, टोटल वर्क क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 8 और गुने में कितना हो जाएगा 66, ये टोटल वर्क जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि सिचुएशन वन का भी जो वर्क है सिचुएशन टू के वर्क के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ए पे ही काम करना है। अब हो सकता है कि प्रोजेक्ट ए पे दो तरीके से लोगों को काम करवा रहे हैं, तो वो दो तरीके से काम करवा रहे हैं, तो कभी आदमी कम तो दिन ज्यादा, आदमी ज्यादा तो दिन कम लगेगा, हमारा एक दो सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, हमारा काम तो उतना ही करना है ना उसको। अब यहाँ से देखो क्या है, 22 से काट दो 4 बार में, 22 से काट दो 3 बार में, 4x में 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा x, x बराबर में कितना हो जाएगा 24, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 24। उसी तरीके से y की निकाल दो, y गुने में क्या हो जाएगा y माइनस 1, तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करते हुए चलते हैं, यहाँ से y स्क्वायर माइनस में y बराबर में y स्क्वायर माइनस में 36, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट है, y स्क्वायर खत्म कर दो, y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 36, ये यहाँ से y भी निकल गया हमारा, y जब निकल गया तो हम लोग आते हैं थर्ड वाले सिचुएशन में, थर्ड वाला सिचुएशन क्या हम लोगों का, जेड स्क्वायर इंटू में 75 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू में 108, यही हमारा होने वाला है, तो यहाँ से क्या करते हैं 3 से काटते हैं 25 बार में, 3 से काटते हैं 36 बार ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बटे में एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोसेस को 36 बटे 25 है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप जो होगा जेड बटे एम वो कितना निकल जाएगा 6 बटे में 5 निकल जाएगा। अब तुम किसी का भी वैल्यू एक्सचेंज कर दो, जेड बराबर में लिख दो 6m बटे में क्या 5, आगे सवालों में देखेंगे सवाल में हम लोगों का क्या बोल रखा है ठीक है। यहाँ से ये डेटा निकल के आ गया हम लोगों का, ये डेटा जब निकल के आ गया हम लोग सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या बोल रहा है, इफ 64 पीपल वेर वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट ए, 64 पीपल वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट ए के लिए, हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क ठीक है। अब तुम यहाँ से थोड़ा सा देखो, पहला ही सवाल प्रोजेक्ट ए पे जो बात किया है, प्रोजेक्ट ए पे अगर सिचुएशन वन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन टू के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, वन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक्स वर्कर 88 डेज में काम करता है, एक्स मतलब कितना 24 वर्कर 88 डेज में काम करते हैं, तो 64 वर्कर कितना दिन में करेंगे, एक्स डेज में या ए डेज में हम लोग मान लेते हैं ए डेज में करेंगे, 8 से 8 बार में, 8 से 11 बार में, 8 से 3 बार में, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 33 डेज, और ये हमारा आंसर हो गया 33 डेज ठीक है। ये भी आसान सवाल, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है ठीक है, बोल रहा है इफ इन टीम बी, अगर सवाल जाने से पहले हम लोग ये रख किए हैं, इस चीज को हम लोग अलग से नोट करके रख लेंगे और इतना सारा बिठा देंगे ठीक है। हमारा आया था एक्स बराबर में 24, वाई बराबर में 36 और जेड बराबर में 6m, वाई में 5 ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं, आगे के दो सवाल क्या बोल रखे हैं, देखो अगला क्या है, इफ इन टीम बी टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 0.5z इनटू 2m, कोई एक टीम बी है ठीक है, टीम बी में जो तुम्हारा दिए हुआ है नंबर ऑफ वर्कर वो दिए हुआ है 0.5z इनटू में 2m, तो यार जेड एम दोनों अलग अलग चीज है ठीक है, तुम्हारे पास जेड और एम का रिलेशन मालूम है, किसी एक को भी चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं, वेदर तुम जेड को चेंज करो वेदर तुम एम को चेंज करो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम लोगों के पास जेड बराबर में दिए हुए तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 बाई में इसको 10 कर देते हैं, जेड की वैल्यू 6m बाई में 5 लिख देते हैं, गुने में 2m लगा देते हैं, 5 खत्म हो गया, 2 से 5 बार में आ गया, यानी कि 6 बाई में 5 क्या हो गया हमारा एम स्क्वायर हो गया, कि टीम बी में नंबर ऑफ वर्कर जो है हमारे वो निकल के कितने आ गए 6 बाई में 5 एम स्क्वायर ठीक है। बोल रहा है
then what is the number of days required by team P to complete the project C? Project C को complete करने में कितना दिन required होगा? तो 6/5 m² worker है हमारे पास. Let's say इसको B दिन लगेगा, B days लगेगा और इसका total work जो है किसके बराबर होगा? तो इसको तुलना situation one, situation two से कर सकते हो. Situation one Z के variable में है, situation two M के variable में है. तुम्हारे पास इधर भी M का variable है, तो तुम्हारे पास M M काटने में तुम्हें क्या होगी? आसानी होगी. यहाँ पे तुम क्या करोगे, m के क्रम में इसको सॉल्व कर दो, m स्क्वायर इज टू 108 कर दो. m स्क्वायर खत्म हो गया, 6 से कट गया 18 बार में. b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 90 डेज निकल के आ गई. और इसी के साथ हमारा आंसर जो हो गया इस सवाल का कितना हो गया, 90 डेज हो गया. और ये हमारा क्या है आंसर. ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल देखो क्या, अगला देखो क्या बोल रहा है. बोल रहा है इफ 0.5 y पीपल वर्क ऑन प्रोजेक्ट बी फॉर 10 डेज. ठीक है, हमारा क्या बोला सवाल में कि 0.5 y पीपल है, कितना दिन तक काम करते हैं प्रोजेक्ट बी पे? 10 दिन तक काम करते हैं. ठीक है, मतलब काम अभी कंप्लीट है. एंड देन 0.5 y पीपल ज्वाइन और 0.5 आते हैं, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.0 y हो जाएगा. ठीक है, इतने लोग और आ जाते हैं और प्रोजेक्ट ज्वाइन द प्रोजेक्ट आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद ज्वाइन करते हैं. हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बी? प्रोजेक्ट बी को कंप्लीट होने में कितना 10 दिन इधर लगा, लेट्स से इधर सी डेज और लगेगा. ठीक है, क्या बोला है हम लोगों ने यहाँ पे, सी दिन और लगेगा क्योंकि आदमी बढ़ रहे हैं, तो टोटल हमारा टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी प्लस में 10 हो जाएगा. अब ये प्रोजेक्ट बी को कंप्लीट करेंगे, तो प्रोजेक्ट बी में तुम अगर ध्यान दोगे तो प्रोजेक्ट बी में तुम्हारा दोनों सिचुएशन है. अब तुम यहाँ से देखो, यहीं पे तुम थोड़ा सा टेक्निक लगा सकते हो. तो अगर प्रोजेक्ट बी में देखोगे तो वाई की वैल्यू तुम्हें मालूम है, जो एक बार तुम ये देख सकते हो वाई होने में वाई माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार वाई की वैल्यू रखना और एक वाई से सारा वाई को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना. ठीक है, तो यहाँ देखो एक वाई की जब वैल्यू रखेंगे वाई माइनस वन की, तो 36 था, 36 माइनस वन क्या हो जाएगा 35, और एक वाई से सारे वाई को एलिमिनेट कर देना. लेकिन यदि अगर तुम y इन माइनस सिक्स और इन टू में y प्लस सिक्स रखोगे तो ये पूरा जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसलिए इस चीज को समझना है कि तुम्हारा इसको एलिमिनेट तुम कैसे करोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है तुम्हारे लिए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम नहीं ये वाला टर्म करोगे तो यहाँ भी तुमको वाई बैठाना होगा, यहाँ भी वाई बैठाना होगा. इस तरीके से तुम स्किप कर सकते हो चीजों को वहां पे समझ के. अब यहाँ से देखो 0.5 × 10 करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 5 देगा. प्लस में यहाँ से तुम c इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे c देगा, बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा 35 हो जाएगा. c की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 30 डेज निकल के आ जाएगी, 35 में 5 चला जाएगा. हमसे पूछा था टोटल टाइम पूछ रखा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम है हमारा 30 दिन इधर 10 दिन इधर, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 40 डेज हो जाएगा. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है सवाल का, 40 डेज आंसर है. ठीक है, तो आज का जो हमारा ये जो मेमोरी बेस्ड सवाल था वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो में. हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग तक सवाल ला सके, जितना भी सवाल है सारा सवाल हम लोग तक आ चुका है. जो फनल बेस्ड सवाल था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सवाल था, थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें बस अटक रही हैं, थोड़ी थोड़ी एक स्टेटमेंट अटक रही है. अगर कोई SBIPO का एग्जाम फेस किए हैं तो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है अच्छे से, व्हाट्सएप नंबर आप उसमें हमें मैसेज करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर अपलोड कर दूंगा. हमारे लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि यार सवाल अच्छे से हमें मिल गए हैं और बाकी बच्चों का भी अच्छे से भला हो जाएगा. ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, थैंक यू. और देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि हर एक लोग तक पहुंच सके, हर एक लोग तक ये बेनिफिट कर सके. ठीक है.